हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मूंगफली की फसल पर 35 से 65 दिनों के मध्य एकदम सस्ता सबसे कारगर और बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो आप अपनी मूंगफली की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। मूंगफली की फसल 35 से 65 दिनों के मध्य होती है तो लीफ स्पॉट्स, रस्ट, ब्लाइट, अल्टरनेरिया के साथ साथ इल्लियों का प्रकोप, सकिंग पेस्ट का प्रकोप, पीलापन की समस्या, कमजोर बढ़वार, फूलों की संख्या कमजोर और फूल ड्रॉप हो रहे हैं तो हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, और साथ ही मूंगफली की जो चाल है एकदम ग्रोथ बढ़वार रुक गई है और साथ ही मूंगफली की फसल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है तो मूंगफली की फसल को हम कैसे हरी भरी कर सकते हैं और साथ ही उपज और उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं। और जो हम स्प्रे बताने वाले हैं, कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं, यदि आप एक एकड़ पर स्प्रे करते हैं तो कितना खर्च आएगा और यदि आप जब स्प्रे कर रहे हैं तो कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, स्प्रे करने के बाद कितने घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए और स्प्रे करने के बाद कितने दिनों तक हमको रिजल्ट प्राप्त होगा, इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सब कुमार। चलिए शुरू करते हैं। मूंगफली की जो क्रॉप है 35 से 65 दिनों के मध्य होने पर आप इस सस्ते कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन पर हम एक फंगीसाइड ले रहे हैं, एक वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स ले रहे हैं, एक कीटनाशक ले रहे हैं और एक प्लांट टॉनिक ले रहे हैं। तो हेक्साकोनाजोल 5% SC फफूंदनाशक आती है जो हमारी मूंगफली की फसल पर लगने वाले फंगस, लीफ स्पॉट्स, रस्ट, ब्लाइट, अल्टरनेरिया और अनेक प्रकार के जो फंगस आते हैं उनकी रोकथाम करने के लिए हेक्साकोनाजोल 5% SC फफूंदनाशक ले रहे हैं। NPK वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स 19-19-19 ले रहे हैं जो हमारी मूंगफली की फसल को हरी भरी कर तंदुरुस्ती देगी। इसके अलावा एक कीटनाशक ले रहे हैं अलीका इंसेक्टिसाइड। अब अलीका इंसेक्टिसाइड पर लैम्डा सालोथ्रीन और थाइमोथॉक्सोम का कॉम्बिनेशन है। अलीका इंसेक्टिसाइड लगने वाली इल्लियों को और रस चूसक कीटों की रोकथाम करने के लिए बेस्ट कीटनाशक है। इसके अलावा टाटा की जो बहार टॉनिक आती है यह एक टॉनिक की भांति काम करती है। यह फूलों की संख्या को बढ़ाती है, यदि फूल ड्रॉप हो रहे हैं तो उनको भी यह कंट्रोल करेगी और फूलों की संख्या के साथ साथ नई नई टहनियों का निर्माण होगा, यानी नए नए फुटाव ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका जो डोज है कुछ इस प्रकार है, आपको एक एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी में हेक्साकोनाजोल 5% SC 400 ml लेना है। NPK वाटर सेल्युलर फर्टिलाइजर्स 19-19-19 एक किलोग्राम, अलीगा इंसेक्टिसाइड 80 ml और टाटा की बहार टॉनिक 300 ml, इन चारों को मिक्स करके शाम टाइम स्टिकर मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। याद रखना है इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे करने के बाद कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक यदि बरसात नहीं होती है तो जो हम घोल स्प्रे कर रहे हैं वह प्रॉपर अपने पत्तों पर, लीफ पर ठीक तरीके से चिपक जाएगा, रिजल्ट बेस्ट देगा। और यदि इसको स्प्रे करने के बाद हमको लगभग 17 से 18 दिनों तक रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके अलावा बात करते हैं खर्च के बारे में। यदि आप इस कॉम्बिनेशन को एक एकड़ में छिड़काव करते हैं तो लगभग आपको 900 से 1000 रुपये के अराउंड एक एकड़ का खर्च आएगा। 900 रुपये 1000 रुपये के आसपास आपको एक एकड़ का खर्च आने वाला है। तो आज की इस वीडियो पर हमने बताया मूंगफली की फसल पर 35 से 65 दिनों की जब फसल हो जाती है तब आप इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे करने से कंदों के आकार में वृद्धि होगी, फलियों का विकास होगा और उपज उत्पादन भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है, बरसात का सीजन चल रहा है तो आप स्टिकर मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।